मॉर्निंग एवरीबॉडी, माय सेल्फ निसार अहमद फ्रॉम सेंट जोसेफ स्कूल महाराजगंज। आज हम लोग इस वीडियो में मैथ चैप्टर का पहला एक्सरसाइज पढ़ेंगे और ये वीडियो क्लास थ्री के लिए है, जिसमें पहला चैप्टर नंबर्स बियॉन्ड 999 ये पहला चैप्टर पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग जानते हैं नंबर। ए नंबर इज ए मैथमेटिकल ऑब्जेक्ट यूज टू काउंट, मेजर एंड नंबर। नंबर क्या है? तो नंबर एक मैथमेटिकल ऑब्जेक्ट है जिसका यूज किसी नंबर को काउंट करने के लिए, मापने के लिए और लेबल लगाने के लिए करते हैं। इसका एग्जांपल अगर देखें तो नंबर क्या हो जाएगा, 1, 2, 3, 4, 5 मैक्सिमम 9 तक, या उससे आगे तक भी हो सकता है, लेकिन जितनी भी डिजिट्स बनी हुई है वह 0 से 9 तक का यूज करके ही बनी है। इतना भी बड़ी से बड़े और बड़ा से बड़ा या बड़ा से छोटा है, नंबर जो है 0 से 9 तक बना हुआ है। अब हम लोग चलते हैं एक्सरसाइज 1A का पहला क्वेश्चन, यानी इसमें जितने भी क्वेश्चन है उसमें बारी बारी से एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है, राइट द नंबर्स नेम ऑफ द कॉइन, यानी इसमें कहा जो नंबर दिया गया है इसको नंबर में दिया गया है इसका नंबर नेम लिखना है। जैसे पहला देखें ये है 89, इसको सिंपली वर्ड में लिख देना है 89। उसी तरह सेकंड नंबर आए, सेकंड नंबर क्वेश्चन है राइट द नंबर ऑफ ईच ऑफ द फ्लोइंग, यानी इसको नंबर में लिख देना है, ये ऑलरेडी वर्ड में दिया गया है और इसको नंबर में लिख देना है। जैसे पहला क्वेश्चन 208 हो गया। अब आते हैं थर्ड नंबर, थर्ड नंबर है राइट द एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ द फ्लोइंग नंबर, इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है। एक्सपेंडेड फॉर्म का मतलब होता है डिस्क्रीट रूप, यानी बड़ा करके लिख देना। तो बड़ा करके लिख देना, सबसे पहले क्या करते हैं डिजिट को देखते हैं, 7, 6 और 3। सबसे पहले हम लोग 3 को लेंगे, 3 को ढक लेंगे, 3 के बाद कितना डिजिट है 1, 2, तो 2 0 इस पे लगाएंगे, फिर प्लस का सिंबल देंगे, इसके बाद क्या है 6 लिखेंगे, 6 के बाद कितना डिजिट है 1, तो 1 0 लगाएंगे, फिर प्लस का सिंबल देंगे और लास्ट में कितना बचा है 7, तो ये हमारा 7 हो गया। अब आते हैं चार नंबर क्वेश्चन, चार नंबर क्वेश्चन में है राइट द शॉर्ट फॉर्म ऑफ द फ्लोइंग नंबर, इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख देना है। तो शॉर्ट फॉर्म में लिखने के लिए जैसे कि ये शॉर्ट फॉर्म में और ये इसका एक्सपेंडेड फॉर्म है, विस्तृत रूप है, इसको क्या कर देना है, इसके फॉर्म में लिखा हुआ इसको शॉर्ट में लिख देना है। सबसे पहले क्या करते हैं, 1 स्पेस पे क्या है 9 यहाँ भर देते हैं, इसमें का 10 स्पेस पे क्या है 7 लिख देंगे, और इसमें 100 प्लेस 100 पे क्या है 2 लिख देंगे, यानी 279 जो है ये हमारा क्या हो गया शॉर्ट फॉर्म में हो गया। अब आते हैं 5 नंबर, 5 नंबर में क्या है अरेंज द फ्लोइंग नंबर्स इन असेंडिंग ऑर्डर, यानी इसको असेंडिंग ऑर्डर में सजाना है। असेंडिंग ऑर्डर में सजाने के लिए सबसे पहले किसी भी नंबर में सबसे छोटा लेते हैं, फिर उससे बड़ा, सबसे लास्ट में सबसे बड़ा नंबर लेते हैं। आइए इसमें चूज करते हैं सबसे छोटा नंबर क्या है, सबसे छोटा नंबर हमारा 89 लिख दिए। अब ये खत्म हो गया, इसमें इसमें और इसमें तीनों में कंपेयर करके देखते हैं कि छोटा कौन, इसमें अगर देखें तो 126 हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। अब ये दोनों में कंपेयर करके देखते हैं कि छोटा कौन है, तो 261 भी हो गया, और सबसे बड़ा डिजिट क्या है 501, ये हमारा असेंडिंग ऑर्डर। अगर हम देखें तो इसमें सारे में एक एक दो दो क्वेश्चन छूटे हुए हैं, इसको आप सॉल्व कीजिएगा और हम लोग अगले एक्सरसाइज में मिलेंगे। थैंक यू।